अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे कड़क तला हुआ गोश्त। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए लेंगे हम, ये है बोनलेस मटन 500 ग्राम्स। तो प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे। अब हम इसको गलाने के लिए नमक ऐड कर लेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे, आधी ग्लास पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। और अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर इसको प्रेशर कुक होने के लिए रख देंगे। तो लगभग 8 से 10 सीटी होने तक इसको पका लेंगे। तो ये देखिए, अब हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन निकाल लिया है। ये पानी भी बहुत अच्छे से ड्राई हो गया और मटन भी जो है बहुत अच्छे से गल गया। इस तरह से ड्राई हो जाना, पूरा पानी सूख जाना। और अब हम इसको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। तो कुकिंग ऑयल जो है सो आप अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड कीजिए। और ये है पका हुआ मटन। तो अब हम मटन को फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। तो बीच बीच में स्पून हिलाते ही जाइए और फ्राई करते ही जाइए। ये देखिए, अब ये जो कलर है बहुत अच्छे से चेंज हो गया, बादामी कलर में आ गया मटन। तो ऊपर से कड़क और अंदर से नरम है ये। हरा मसाला ऐड कर लेंगे इसके अंदर, थोड़ी सी करी लीव्स और हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा डालेंगे बिल्कुल, नमक डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा। तो नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही चख के ऐड कीजिए इसके अंदर। मिर्ची ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून। और अब हम लगभग 10 मिनट के लिए इसको लो हीट पे रख के फ्राई करेंगे। और इस तरह से स्पून भी हिलाते जाएंगे ताकि दाग ना लगे। तो ये देखिए, 10 मिनट तक हमने गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम ऑफ़ कर लेंगे। तो आप इसको सर्व कर सकते हैं खट्टी दाल के साथ में। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिए ये रेसिपी को। और अगर अच्छी लगती है रेसिपी तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।